मेरा शिव आ गया। माँ शिव, औषधि मिल गई पुत्र? हाँ पिताश्री, आनंदी जी की मूर्छा भी दूर हो गई। उत्तम, इच्छा महादेव की। अच्छा हुआ मित्र तुम आ गए, तुम्हारे बिना मेरा मन उदास था। चलो खेलने चलते हैं। नहीं, अब कहीं नहीं जाएगा शिव, लंबी यात्रा से आया है ना, थका हुआ होगा। तू हाथ पैर धो ले, मैं भोजन परोसती हूँ। आज भोजन कम पड़ जाएगा माँ। क्योंकि आज खाने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। और कौन है? मैं और तू ही तो बचे हैं। खाने वाले बाहर हैं माँ। ठहरिए, बुलाता हूँ। आ जाइए सब लोग। इतने सारे जन? एक और, उनके आने के बाद सब पूरे हो जाएंगे। आप ही अंदर आइए मित्र। प्रणाम महादेवी, पुनः स्वागत है आपका। भोजन बनने में समय लगेगा, तब तक आप लोग शिव के साथ शिव के ध्यान स्थान में जाकर विश्राम कीजिए। भोजन बनने के उपरांत मैं आप सबको बुला लूंगी। हाँ माँ, यह उत्तम रहेगा। सब आइए मेरे साथ। देवी पार्वती, आपको जो करना था आपने कर लिया। अब मेरे घर को आप कैलाश बनाना चाहती है? सब महादेव की इच्छा है, और आप तो जानती ही, जहां महादेव बसते हैं वहां कैलाश बन ही जाता है। आप भूल रही हैं, ये मेरा घर है, कैलाश नहीं। और मैं मेरे घर को
कैलाश बनने नहीं दूंगी। यदि महादेव को कैलाश में ही रहना होता तो वो कैलाश छोड़कर मेरे घर में मेरे पुत्र बनकर नहीं आते। देवी अनुसुईया, मैं भोजन बनाने में आपकी सहायता कर देती हूँ। चलिए। मेरी सहायता है तो आगे आने के लिए धन्यवाद, परंतु आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही बना लूंगी। आप विश्राम कीजिए। देवी, क्या कह रही हैं आप? महादेवी अन्नपूर्णा है, जगत जननी है ये, क्या ये सब पे भूल गई आप? इस संसार के प्रत्येक रसोई में, प्रत्येक भंडार में माता अन्नपूर्णा देवी का ही तो वास है। आज आप अन्नपूर्णा को मना करेंगी? ऋषिवर, पुत्र के लिए उसकी मां ही उसकी अन्नपूर्णा होती है। आप शायद इनकी तेज के प्रभाव में आकर इस सत्य को भूल रहे हैं कि यदि ये देवी अन्नपूर्णा है तो मैं भी त्रिदेव की माता हूं। इतने सारे जन का भोजन बनाना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। गुड़ कहाँ है? गुड़ लेकर आओ, और साथ में लौंग और जावित्री भी। जी माता। और घी भी लाना। जी माता। घी का पात्र तो रिक्त है, अब कैसे इसकी पूर्ति होगी? अन्नपूर्णा, हे माता पार्वती, यह हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे घर में आप विराजमान हैं। हे आदिशक्ति, जगत जननी और सांसारिक माता में तो अंतर रहेगा ही ना माते, आपसे यह प्रार्थना है महादेवी, अनुसुईया के वात्सल्य को अन्यथा मत लीजिएगा। वो जो कुछ भी कर रही हैं पुत्र मोहवश कर रही है। कितने लंबे समय के उपरांत इस प्रकार प्रभु के सानिध्य में उनके सम्मुख बैठने का अवसर मिला है। किस विचार में है नंदी जी? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहां आपके सानिध्य में बैठकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम कैलाश में ही बैठे। भोजन तैयार है, मैं उन सबको निमंत्रण देकर आती हूँ।
उत्तम देवी। प्रभु हम सबको यहाँ अपने पास रहने की अनुमति दे दीजिए। हाँ प्रभु, आप जहाँ हम वहाँ, रहने दीजिए ना हम सबको यहाँ प्रभु। नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। मित्र, इन लोगों को यहाँ रहने की आज्ञा कभी मत देना। इन लोग यहाँ रहेंगे तो माता का परिश्रम बढ़ जाएगा। नहीं मूर, मैं इनको मना नहीं कर सकता। ये इनका आग्रह, मेरा निमंत्रण नहीं, क्योंकि ना मैं किसी को निमंत्रण देता हूं और ना ही किसी का बहिष्कार करता हूं। नारद, ना तो मैं यहां पर किसी को निमंत्रित करता हूं और ना ही किसी का बहिष्कार करता हूं। ये यहां नहीं रह सकते शिव। तू बिना सोचे समझे कुछ मत कह शिव। तू इन्हें समझा दे, इनका यहां रहना संभव नहीं है। क्यों माँ, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या नगर के लोग वन में रह सकते हैं? नहीं माँ, सरलता से नहीं रह सकती। और क्या वन के जीव समाज में हमारे साथ रह सकते हैं? नहीं माँ। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वन पशु यहाँ रहेंगे तो नागरिक भयभीत हो जाएंगे। इसी प्रकार गण, प्रेत, भूत, पिशाच आदि सामाजिक प्राणी नहीं है शिव। इसीलिए ये स्थान इनके रहने योग्य नहीं है शिव। तू इनको समझा दे, ये ऐसे किसी स्थान पे जाके रहें जो इनके लिए रहने योग्य हो। हमसे किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हम यहां नगर में नहीं रहेंगे और ना ही आपके घर में आएंगे। तो फिर कहां रहेंगे आप सर? हम यहीं पास के शमशान में चले जाएंगे देवी। और नित्य प्रभु के दर्शन के लिए चले आएंगे। और हम में से कोई भी नगर का भ्रमण भी नहीं करेगा। हाँ, हम शमशान में ही रहेंगे। बस आप हम लोगों को भोजन करवा दीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। भोजन करके चले जाएंगे हम लोग। हाँ, नहीं रुकेंगे। अरे मैं बातों बातों में भूल गई। मैं आप सबको बुलाने ही आई थी। भोजन तैयार है, चलिए भोजन करने। चल शेर। पता नहीं इसकी तपस्या कब पूर्ण होगी।
माता भ्राता की तपस्या जब पूर्ण होगी तब होगी, परंतु आप अभी मेरी एक जिज्ञासा पूर्ण कीजिए। कैसी जिज्ञासा? माता मैं ये जानना चाहती हूँ ये बाल शिव में इतनी शक्ति कैसे है, हम हर बार उसे पराजित कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वास्तव में वो है तो महादेव है ना, और उसके साथ है उसकी शक्ति पार्वती। वो भले ही बालक है किंतु शक्ति के साथ होने से वो शक्तिशाली है, और उसे तब तक परास्त नहीं किया जा सकता जब तक पार्वती उसके साथ रहेगी। इसलिए मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य है उन दोनों को अलग करना, और मैं उन दोनों को अलग करके रहूंगी। लीजिए घुस बैठिया, दासी आ गई। क्या शुभ समाचार लेकर आई हो? शीघ्र ही बताओ। किस किस को मृत्यु की नींद सुला दिया, सबको या केवल उन तीन बालकों को? किसी को नहीं। किसी को भी नहीं, परंतु क्यों? क्योंकि राजकुमारी, उस नारायण के गधा ने मुझे किसी को मारने ही नहीं दिया, उल्टा मैं मरते मरते बचकर आई हूँ। वहां से तो बच के आ गई, परंतु मेरे हाथों से नहीं बचेगी। शिष्टता है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ अभी। नंदी, देवी पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा घर है, इसे कैलाश मत बनाइए। माँ, तुम दोनों ही खिलाओ। मित्र, आप इन लोगों को भोजन कराइए, मैं आपकी माता के लिए भोजन लेकर जाती हूँ।
भोजन लेकर आई हूं। भोजन तो कर लीजिए। धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूं आप मुझसे क्रोधित हैं। आपको ये लगता है कि मैं आपका घर, आपके पुत्र को आपसे छीनने आई हूं, परंतु ये सत्य नहीं है। इससे अतिरिक्त क्या सत्य है देवी पार्वती? माँ,